राइटिंग स्किल्स में हमारे पास आज ग्रामर का पोर्शन है लेकिन सबसे पहले लेट्स रिव्यू के हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ा था तो प्रीवियस लेक्चर में हमने के बारे में पढ़ा उन तीन होते हैं पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर उनके हमने स्ट्रक्चर्स देखे और उसके बाद हमने उनके यूसेज देखे नाउ लेट्स बिगिन अर टूडेज लेक्चर एंड टूडेज लेक्चर इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट एज वेल आज हमारे पास टाइप्स ऑफ सेंटेंस हैं और आज हम सेंटेंस की टाइप्स देखेंगे कि एक सेंटेंस की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं तो सबसे पहले हमारे पास असर्टिव सेंटें असर्टिव सेंटेंस वो सेंटेंसेज होते हैं जो कि हमें सिम्पल इंफॉर्मेशन बताते हैं कोई सादा सी बात बताते हैं मिसाल के तौर तो पर बाहर बारिश हो रही है वो मैच जीत गए हैं तो फान नहीं आएगा ऐसे तमाम जो एग्जाम्पल्स होती हैं वो हम असर्टिव सेंटेंसेज उनको कहते हैं और दे आर ऑफ टू काइंड दो तरह के होते हैं पॉजिटिव सेंटेंसेज एंड नगेटिव सेंटेंस तो लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट पॉजिटिव सेंटेंसिस पॉजिटिव सेंटेंसिस टेल सिंपल इन्फॉर्मेशन मिसाल के तौर तो पर ही वॉन्ट द मैच वो मैच जीत क्या She is a lawyer. I have a car. ये तमाम सिंपल इन्फॉर्मेशन बता रहे हैं तो इनको हम पॉजिटिव सेंटेंसिस कहेंगे और जो दूसरी टाइप होती है सर्टिव सेंटेंस की नेगेटिव सेंटेंस क्या करते हैं नेगेटिव और नॉट यानी नो या नॉट का इस्तेमाल करते हुए पॉजिटिव सेंटेंस को निगेट करते हैं यानी उनकी नफी करते हैं मिसाल के तौर तो पर हमारे पास पॉजिटिव सेंटेंस था ही वॉन द मैच और इसका नेगेटिव हो गया डि नॉट व मैच उसकी नफी कर दी उसको निगेट कर दिया हमारे पास पॉजिटिव सेंटेंस था शी इज अ लॉयर और इसका नेगेटिव हो गया she is not a lawyer, और हमारे पास पॉजिटिव सेंटेंस में आते हैं अनदर टाइप ऑफ सेंटेंस सेंटेंसेस एक इंपॉर्टेंट बात इस वर्ड को सारे इंटेरोगेटिव वर्ड हैं तो इट्स नॉट इंटेरोगेट इंटेरोगेटिव इट्स एक्चुअली इंटरटिव और इंटरोगेट असल में जोर्ब -E -E होता है जो जो कि होता है. है तफ्तीश करना. तो अब हमारे पास है की, that is, और जैसे कि नाम से जाहिर है यानी एक सवाल करते हैं ये. और इन जुमलों के आखिर पर हमेशा क्वेश्चन मार्क इस्तेमाल होता है एग्जाम्पल्स हैं. हाउ आर यू आप कैसे हैं इज ई फाइन क्या वो ठीक है तो ये दोनों क्वेश्चन हैं। एक इंपॉर्टेंट बात एक सादा जुमले को अगर हमने सवाल में चेंज करना है तो हमने उस टेंस की उस जुमले में जो हेल्पिंग अप इस्तेमाल हुई है उस हेल्पिंग अप को हमने सब्जेक्ट से पहले ले आना है मिसाल के तौर तो पर जो हमारे पास सेकंड एग्जांपल है इसको अगर हम सिंपल फॉर्म में कर दें तो ये हो जाएगा ही इज फाइन वो ठीक है तो अगर हमने इसको सवाल यह बनाना है तो हम इज को हम स्टार्ट में ले आएंगे तो ये बन जाएगा इज ही फाइन

हुक्म को शो करते हैं रिक्वेस्ट दरखास्त करते हैं एडवाइस नसीहत को शो करते हैं और प्रोहिबिट या मना करते हैं किसी से एंड स्टार्ट यूजार्ट फ्राम और ये मोस्टली से स्टार्ट होते हैं एंड सब्जेक्ट और इनमें नॉर्मली सब्जेक्ट नहीं होता यूज नहीं होता सो so, हमारे पास इम्पेरेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल्स हैं ओपन द डोर तो ये से स्टार्ट हो रहा है दैट इज ओपन और ये ऑर्डर लग रहा है तो इट इट्स इट्स एन एन ऑर्डर ओपन द डोर सेंटेंस नेक्स्ट इज

प्लीज या काइंडली पुट कर देंगे तो वो एक रिक्वेस्ट बन जाएगी तो इट्स एन इट्स अ रिक्वेस्ट इन अदर द एग्जाम्पल इज ओपन द डोर प्लीज तो इसमें बस प्लीज की पोजिशन का फर्क है तो अगर आप प्लीज स्टार्ट में ऐड करते हैं तो वो एक रिक्वेस्ट बनेगी और अगर आप प्लीज एंड पर ऐड करते हैं आखिर पर ऐड करते हैं तो वो एक ऑर्डर होगा लेकिन ऑर्डर कैसा होगा पोलाइट ऑर्डर तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं किसी शख्स को कहता हूँ प्लीज ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर तो ये एक रिक्वेस्ट होगी क्योंकि मैंने प्लीज़ स्टार्ट में ऐड किया और अगर मैं उसको ऐसे कहता हूँ ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज़ तो ये एक ऑर्डर है लेकिन ये पोलाइट ऑर्डर है क्योंकि प्लीज़ आखिर पर आ रहा है और लास्ट एग्जाम्पल है हमारे पास वॉक अबाउट फाइव माइल्स एवरी मॉर्निंग तो ये ऑब्वियसली एक एडवाइस लग रही है ये एक नसीहत तो जो कि वो वीवन से स्टार्ट हो रही है तो ये भी एक इंपेरेटिव सेंटेंस